Abul Bhosar here, and I have been nominated for my Gujarati film Kachindo as writer. It's a very big achievement कि कोई शख्स आपको recognize कर रहा है, आपको nominate कर रहा है. Award मिले ना मिले वो दूसरी बात होती है, पर मैंने सुना है कि तकरीबन 50 या 56 फिल्में जजेस ने देखी है और उसमें से किसी एक को, मतलब 4-5 राइटर्स हैं 4-5 फिल्मों के, पर उसमें से हमें एक अवार्ड मिल रहा है, नॉमिनेट हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड, थ्रिल्ड एंड वेरी मच थैंकफुल टू ट्रांसमीडिया जास्मिन भाई के जो पिछले 19 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं. जब ये शुरू हुआ था तब कुछ लोगों ने ये कहा था कि कौन है ये जास्मिन शाह, कहाँ से आ गया ये आदमी, इसका क्या लेना देना है गुजराती स्टेज के साथ या स्क्रीन के साथ या टेलीविज़न सीरियल के साथ. 3-3 सेक्शन को ये कवर कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई ऑलवेज प्रे टू द गॉड के जास्मिन भाई ये 19 साल नहीं, ये 50 साल 75 साल तक कंटिन्यू रखेंगे. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ट्रांसमीडिया एंड जस्मिन शाह. थैंक यू. 19मो ट्रांसमीडिया गुजराती चलचित्र, गुजराती नाटक और गुजराती फिल्म फेम एवॉर्ड माटे भाई श्री ट्रांसमीडिया चेरमेन भाई श्री जसमीन भाई द्वारा आ 19मा ट्रांसमीडिया ने हूँ खूब शुभेच्छा पाठवु छूँ, शुभकामनाओं पाठवु छूँ और एक गुजरातनी चलचित्र और फिल्म माटे जे भाई श्री जसमीन भाई काम करी रह्या छे एने खूब खूब धन्यवाद पाठवु छूँ. गुजरातनु एक गरिमा वधे एना माटे आज हिंदी फिल्म करता पण गुजराती फिल्मनी अंदर जे एक्सपोजर मळी रह्युं छे एने हूँ खूब बिरदावुं छुं. गुजरात टूरिज्म ने राज्य सरकार पर आवा कार्यक्रम माटे खूब प्रेरित थई अने गुजरात सरकारे 25 लाख रूपिया गुजरात टूरिज्म द्वारा एवॉर्ड माटे एमने स्पोन्सर कर्या छे अने आ कार्यक्रम ने गुजराती चलचित्रोने अने गुजराती नाटकनो एक्सपोजर मळे एना माटे खूब ज जहेमत ट्रांसमीडिया द्वारा अने गुजरातीओ माटे खूब आपणा माटे गौरवनी वात छे. हूँ एमने आ तबक्के खूब शुभेच्छाओं और खूब धन्यवाद पाठवुं छुं. आभार. हाय, दिस इज रश्मीकांत कामदार. मैं न्यू जर्सी अमेरिका से आया हूँ और मैं ट्रांसमीडिया अवार्ड नाइट का एक ट्रस्टी हूँ अमेरिका से, और 19 साल से आज ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं 19 साल से मैं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दे रहा हूँ 51,000 1,02,000 रुपया. आज 19 साल हो गए और हम बीइंग गुजराती इन अमेरिका वी सपोर्ट, और जो जास्मिन भाई यहाँ काम कर रहे हैं गुजरातियों के लिए, वो आज मैंने कहीं नहीं देखा है कि कोई गुजराती के लिए इतना काम करे. तो मैं हर इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि जास्मिन भाई हमारे गुजराती के बाल ठाक रहे हैं यहाँ पे मुंबई के अंदर. तो कहने का मतलब यही है कि जब तक हम जिएंगे तब तक हम लोग लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और हम सपोर्ट करते रहेंगे जास्मिन भाई को. एंड ऑल द बेस्ट फॉर 19 ट्रांसमीडिया अवार्ड, और खूब खूब शुभकामना और शुभेच्छाएं हमारी जास्मिन भाई को. ऑल द बेस्ट टू मीडिया. थैंक यू वेरी मच. फिल्म नॉमिनेटेड है जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी फिल्म भी नॉमिनेटेड है और मैं भी नॉमिनेटेड. जी जी, आप भी हैं. हालांकि मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉमिनेटेड तो बड़ी खुशी की बात है. जसीम भाई का है और मैं कोशिश करता हूँ आने की हमेशा, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि नहीं आ सकता हूँ, कुछ डेटे वेटों की प्रॉब्लम होती है. लेकिन इस बार मैं जिद करके आया हूँ, अपना काम अभी कर रहा था मडालैंड में, वहाँ से शूटिंग खत्म की, जल्दी आया, नहा धो के फ्रेश शावर लेके आया हूँ. फ्रेश आना चाहिए बिल्कुल ऐसे फंक्शन में. और ये जसमीन भाई का ये जो है ना, ये वन मैन शो है. जी जी, ये हमेशा हर साल करते हैं. 19th ईयर है. हाँ जी हाँ, और हर साल करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं, बड़ी पैशन से करते हैं, और भगवान करे कि हमेशा ऐसा होता रहे. और बड़ी खुशी की बात है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही मुझे कि मेरा जो दोस्त है फिरोज ईरानी, उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आज सम्मानित किया जाने वाला है, और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए. मेरी फिल्म चीज झड़प करीबन 7 से 8 नॉमिनेशन है इस फिल्म में. आज देखते हैं कहाँ मिलता है, कितना मिलता है. और आपकी कौन कौन सी नॉमिनेशन है उसके बारे में बताएं. मेरी काफ़ी सारी है. बेस्ट म्यूज़िक है, बेस्ट हीरोइन है, बेस्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग्स है, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, और 2-3 नॉमिनेशन है टोटल. ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। 19th ट्रांसमीडिया अवार्ड के बारे में आप क्या विश देना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं हिंदी में बोलूं? हिंदी हिंदी सामने। ओके, ट्रांसमीडिया अवार्ड सालों से चल रहा है और गुजराती फिल्मों के लिए, गुजराती सीरियल के लिए और गुजराती नाटकों के लिए, चाहे वो मुंबई के हो चाहे अहमदाबाद के हो, ये एकमात्र अवार्ड है। इसलिए जो भी मीडिया के साथ कनेक्टेड गुजराती एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए तो ये मक्का मदीना है, उनके लिए ये ऑस्कार है। इसलिए हमारे सब लोगों के लिए ट्रांसमीडिया अवार्ड का महत्व तो बहुत ही है। मैं खुद ऑलमोस्ट 5 बार ये अवार्ड जीत चुका हूँ डिफरेंट कैटेगरीज़ में। आज आया हूँ, आज कहीं पे भी नॉमिनेटेड नहीं हूँ। मेरी एक फ़िल्म है गुजरात 11 जिसको 5 नॉमिनेशंस मिले हैं। बतौर राइटर और बतौर लिरिसिस्ट मैं उसके साथ इन्वॉल्व हूँ। इसलिए मेरी फ़िल्म को, मेरी फ़िल्म के साथ जुड़े हुए लोगों को और ओवरऑल ट्रांसमीडिया के अवार्ड फंक्शन को मैं विश करने के लिए आया हूँ। दिस इज दिलीप रावल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा इन्हें वे सम्मान है कि ये अवार्ड मुझे मिला है। इसके पहले भी मुझे धीरूभाई अंबानी मेमोरियल अवार्ड दिया था। मैं ट्रांसमीडिया और स्पेशली जासमिन भाई शाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुजराती कम्युनिटी को साथ में रखते हुए हर साल पे वो ये अवार्ड कर रहे हैं और ये 19वां अवार्ड फंक्शन है। थैंक यू। बारे में क्या कहें? जब से 19 साल से मैं ब्राइट जुड़ा हुआ है इवेंट में और मैं गुजराती, उसका मुझे गौरव है कि इतने बड़े अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ। और हर साल गुजराती गौरव और जितने भी अवार्ड फिल्म और इसके मेजॉरिटी ब्राइट को मिलते हैं। मैं भगवान का, आपका, मीडिया का, सबका शुक्रिया मानता हूँ कि इतने बड़े अवार्ड में मुझे इतना मौका मिला। First of all, let me welcome all of you 19th Transmedia Stage and Screen Award Gujarati. I'm so happy. આજે ધીરે ધીરે કરતી આ લાંબી યાત્રા 19માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે અને મને આનંદ છે અને ગૌરવ છે કે આ યાત્રામાં હું ક્યારેક એન્કર તરીકે જોડાયો છું, ક્યારેક મેં સ્ટેજ પર પરફોર્મન્સ આપ્યું છે, ક્યારેક એવોર્ડ પ્રેઝન્ટ કર્યો છે અને ક્યારેક એવોર્ડ મેળવ્યો પણ છે ગુજરાતી બેસ્ટ એક્ટર તરીકેનો। આજે ફરી એકવાર હું ગુજરાતી ફિલ્મોમાં નોમિનેટ થયો છું બેસ્ટ એક્ટર ઇન કોમિક રોલ ફોર ધ ફિલ્મ જલસાગર, સરસ મજાનો કોમેડી રોલ કર્યો છે, હું નોમિનેટ હોઉં છું। ફરી એકવાર ટ્રાન્સમીડિયાના તમામ સંચાલકો, કમિટી મેમ્બર્સ બધાનો આભાર માનું છું અને ખાસ કરીને જ્યુરીનો, જેમણે મારા સરસ મજાના કોમેડી પાત્રની નોંધ લીધી છે અને આજે મને નોમિનેટ કર્યો છે। સો વિશ ફોર મી, પ્રે ફોર મી દેટ આઈ ગોટ ધીસ એવોર્ડ। થેન્ક યુ સો મચ, ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ। હું છું જસ રાવલ એન્ડ વેરી એક્સાઇટેડ। આજે 19th એન્યુઅલ ટ્રાન્સમીડિયા ગુજરાતી સ્ક્રીન એન્ડ સ્ટેજ એવોર્ડ્સ થવા જઈ રહ્યા છે અને મારું નોમિનેશન છે ઇન ધ બેસ્ટ એક્ટર ઇન અ કોમિક રોલ એન્ડ હેવ બીન નોમિનેટેડ ઇન ધ પાસ્ટ એન્ડ ધીસ યર ઓલ્સો ઇઝ અ નોમિનેશન। સો જ્યારે જ્યારે નોમિનેટ થતા હોય ત્યારે એક આમ પેટમાં કહેવાય ને કે બટરફ્લાઇઝ ઇન ધ સ્ટમક હોય કે ભાઈ કોને મળશે, કોને મળશે, કોને મળશે। અને બધા જેટલા બી મારી સાથે નોમિનેટ થયા છે એ લોકોને બી ખૂબ બધા અભિનંદન એન્ડ ઓલ નોમિનીઝ ઇન જનરલ, એ બધાને શુભેચ્છાઓ। અને જસ્ટ અમે આ પદ છે અને એના પછી જ્યારે પાછા અમે મળીશું તમને આટલા જ એક્સાઇટમેન્ટ સાથે, આટલા જ ઉત્સાહ સાથે, વી વિલ હેવ ધ વિનર્સ વિથ ધ ટ્રોફીઝ ઇન ધેર હેન્ડ્સ। એટલે બધાએ બધી પ્રિપેરેશન તો કરી જ લીધી છે। સો આઈ વિશ એવરીબડી ગ્રેટ ગ્રેટ સક્સેસ એન્ડ ટ્રાન્સમીડિયાની સંપૂર્ણ ટીમને ખૂબ ખૂબ સલ્યુટ ફોર કન્ટિન્યુઇંગ અ ટ્રેડિશન ફોર 19 યર્સ। ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ડોન્ટ સ્ટેન્ડ એન્ડ લાસ્ટ ધીસ લોંગ બટ હેટ્સ ઓફ ફોર ધ 19 યર્સ એન્ડ અ જ્યુબિલી કમિંગ વેરી સૂન। થેન્ક યુ। પ્રણામ। ટ્રાન્સમીડિયાનો 19મો સ્ક્રીન સ્ટેજ એવોર્ડ ફંક્શન છે અને એમાં ભાઈ શ્રી જસ્મીન શાહ અને એની ટીમ, અમારે અભિલાષ ગોડા અને બધાએ સખત હાર્ડ વર્કર્સ, બધા મિત્રોએ મને આજે હેમોગઢવી એવોર્ડ આપવાનો છે। પહેલાં તો સૌપ્રથમ ટ્રાન્સમીડિયાને ખૂબ ખૂબ આભાર અને ગુજરાતની જનતા, ગુજરાતી ભાષા બોલતા અને ગુજરાતી ભાષા સમજતા, દુનિયામાં વસતા તમામે તમામ ગુજરાતીઓને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। અને આ એવોર્ડ જે મને આપે છે એ એવોર્ડ હું એ મારા ગુજરાતીઓ, દુનિયાભરમાં વસતા ગુજરાતીઓ, મારા કરોડો ચાહકોને એમના ચરણોમાં શાની દવે એન્ડ આઈ એમ વિશિંગ ઓલ ધ વ્યુઅર્સ ઓફ ટ્રાન્સમીડિયા। मैं बहुत खुश हूँ 19th स्क्रीन अवार्ड्स में उपस्थित होके। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी नॉमिनेट हुए एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। पुराना मिस्टर कलाकार फिल्म से फर्स्ट सॉन्ग है मेरा जो मैंने लिखा भी है और मैंने गाया भी है और कंपोज भी किया है। तो हमारू पहलू गीत है गुजराती फिल्म जे मैं पोते कंपोज करू पोते लख्यू है। मिस्टर कलाकार फिल्म जे मनोज आहिर और भरत सेवक एमने जे प्रोड्यूस करेली है ये फिल्म माटे है। थैंक यू। 19th Transmedia Screen and Stage Awards. 19 years of giving a superb platform for Gujarati films, Gujarati stage. मुंबई में આવી રીતે આટલા મોટા પાયે જો કોઈ ફંક્શન આટલા વર્ષોથી ચાલતું હોય અને ટક્યું હોય અને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ સાથે કે ટોળે ટોળા વળ્યા હોય, thousands of people come to see this and lots of all the stars, all the actors, all the musicians, everyone want to come and be a part of Transmedia જે 19 years થી ચાલી રહ્યું છે। એના માટે જસ્મીનભાઈ શાહને and the whole team મુંજાલ and everyone else have done a tremendous job and from me Hitu Kanodia, from my wife Monati Ba Kanodia, my dad Naresh Kanodia and the whole Kanodia family, we congratulate and always there for them. You want to say something? Congratulations to Transmedia, to Jasmin Shah. 19 वर्ष थी आ अवॉर्ड फंक्शन चाली रह्यु छे। पहला वर्ष थी कनोडिया परिवार ट्रांसमीडिया साथे हतु छे अने हमेशा रहेशे। वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मेरे दो नॉमिनेशंस थे, एक प्ले के लिए था और ऑलरेडी प्ले का तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। सो नाउ अब जो बचा है दैट इज़ फॉर बेस्ट एक्टर फॉर चील जड़प। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अवार्ड मिले। सो येस एंड एनी विच वे दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। इतने सालों से हो रहा है, 2000 के साल से शुरू हुआ है जब मेरी करियर की भी शुरुआत हुई थी एंड सो या फिंगर्स क्रॉस्ड लेट्स सी। हिंदी गुजराती ट्रांसमीडिया 19th ईयर, बड़ी गर्व की बात है। हम गुजराती लोगों ने भी इतनी अच्छी इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज की है। जैस्मिन भाई एंड हिज टीम सबके मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ द विनर ऑफ ट्रांसमीडिया 2-3 बार। मज़ा आता है, रियली फील प्राउड। All the best to Transmedia, many more to go. Silver Jubilee. Yo. मैं उनको all the best करूँगी, जास्मिन भाई को। आज 19वीं सालगिरह है और मैं चाहूँगी कि ये आगे बढ़ते जाए 100 से भी ज़्यादा आगे बढ़े और ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ख़ास करके हमारे जो गुजराती कास्ट है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है ये कि उन्होंने ये बात सोची। हालांकि शुरू में तो ज़रा थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, मगर ये तो अभी ऐसे पहुंच गए हैं कि बस चलता ही रहेगा। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हूँ जसविन भाई दोस्त भी छूँ और भाई भी छूँ। हूँ जयंतीलाल गढ़ा। जस्मिन भाई आटली मेहनत करे छे गुजरातीओ माटे अने आ सतत 19मा वर्ष सुधी पहोंची गया। अमने बहुत खुशी थाय छे एज ए गुजराती अने एज ए फ्रेंड। हूँ बहुत विश करूँ छूँ कि आवा हजी 100 वर्षों सुधी चाले जस्मिन भाई ने अने ट्रांसमीडिया एवॉर्ड्स बहुत मोटा थाय। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट आज की नॉमिनीज को। और पहली बार आ रही हूँ मैं गुजराती अवार्ड्स पे। मैंने सुना है कि गुजराती सिनेमा दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है एंड आई एम वेरी कीन टू सी कि किसको बेस्ट एक्टर बेस्ट फिल्म मिलेगा, क्योंकि आई थिंक गुजराती सिनेमा का भविष्य बहुत ही अच्छा है। तो आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड आई विल बी फेलिसिटेटिंग ऑल द एक्टर्स टुडे। बहुत खुशी होती है हमेशा जब भी मुंबई में स्पेशली ट्रांसमीडिया अवार्ड्स का हिस्सा बनने में बहुत बहुत खुशी होती है। और सबसे पहली बार मुझे नॉमिनेशन एज ए नॉमिनी मैं सिलेक्टेड हुई हूँ 47 धनसुख भवन फिल्म के लिए, जिस फिल्म से एक गाना है शू थाइच है वो मैंने गाया है और सुचिता व्यास और श्वेतांग शंकर उन्होंने म्यूज़िक दिया है एंड नैतिक रावल और he has directed the film. बहुत बहुत अच्छा लगता है जब we are celebrating art in any kind of form, be it acting और आज तो थिएटर्स को भी थिएटर के भी मतलब स्टेज के बहुत सारे ढेरों सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, उसमें भी you know प्लेस को लेकर उसके म्यूज़िक को लेकर एंड स्पेशली गुजराती फिल्म फ्रेटर्निटी के इतने सारे लोग इतने सारे आर्टिस्ट और सबको यहाँ पे सभी को इक्वल चांस मिला जा रहा है और मौका दिया जा रहा है. और जितने भी नॉमिनीज़ हैं मैं सबको सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि नॉमिनेशन में इतने सारे गाने और इतनी सारी फिल्म्स, अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे गाने और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनमें से कुछ जो छांट के जो नॉमिनीज़ बन रहे हैं नॉमिनेशंस में जिनका भी नाम आ रहा है, उन सभी के लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है और मैं सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी दिल से. एंड जितने भी विनर्स हैं उन सभी को मैं अगेन आई वुड वांट टू विश देम कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. ट्रांसमीडिया का एंड ये सबसे बड़ा अवार्ड शो है गुजराती फिल्म अवार्ड, टीवी अवार्ड्स है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ. गुजरात के जो बेस्ट एक्टर्स हैं ऑन फिल्म्स एंड टीवी के सब यहीं पे आए हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द फिल्म फेयर ऑफ मे बी द ऑस्कर्स ऑफ गुजरात सिनेमा. एंड अभी गुजरात सिनेमा बहुत अच्छा कर रहा है, नेशनल अवार्ड्स विन कर रहे हैं एंड दिस इज़ द टाइम. गुजरातीज आर ग्रोइंग, मेकिंग इंडिया प्राउड, द वर्ल्ड प्राउड. तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरी अभी एक फिल्म भी आ रही है गुजराती भाषा में, इट्स कॉल्ड आइस स्पाइस. सो आई एम गोइंग टू शूट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं भी मैंने अभी तक 17 भाषाओं में एक्ट किया है, अभी आई थिंक दिस विल बी माय 18 भाषा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं गुजराती भाषा में एक्ट करूँगी. सो I am very proud. Aadhi main Gujarati hu. My mom was Gujarati, so I can speak Gujarati. I want to say congratulations to Transmedia. 19th award. Not bad. भगवान करे और आगे बढ़े और गुजरातियों का गर्व है ये. And आज मैं इसीलिए हूँ because I feel very proud of myself that I am Gujarati. And all the actors who nominated there और जिनको award मिला है नहीं मिला है सबको मैं all the best कहना चाहूँगी. And ये awards ही होते हैं जो सारे actors को मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए बिकॉज कुछ भी बोलो ट्रॉफी हाथ में होती है तो बहुत अच्छा लगता है. आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशंस टू ट्रांसमीडिया 19th अवार्ड. टेक केयर. थैंक यू. खूब खूब शुभेच्छा अपना ट्रांसमीडिया के अवॉर्ड के लिए. हूँ गुजराती नहीं बट मैंने 40 फिल्में गुजराती एज ए हीरोइन तरीके करी है. मारी तरफ थी जस्मीन शाह एमनी हिम्मतनी करेजनी खूब खूब जितनी की जाए तारीफ क्योंकि मैं बहुत साल से ये अवॉर्ड अटेंड कर रही हूँ, एज ए प्रेजेंटर जाती हूँ, अवॉर्ड मिला भी है मुझे. सिर्फ जस्मीन शाह की हिम्मत है कि उन्होंने पूरे गुजराती इंडस्ट्री को एक साथ किया और हर साल वो हम सबको यहाँ बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और अवार्ड देते हैं. तो आप सबको, जस्मीन भाई को, ट्रांसमीडिया को बहुत बहुत शुभेच्छा. Since it's the first time I'm coming here, I mean, I just got to know about this. The show is happening here and I was like, okay, let's go here. Let's just get gelled with people here. I mean, I congratulate the people. Gujarati Films Awards, right? Yeah. So I have very less words. I honestly say this is the first time I'm coming, and congratulations, Lord. What do you want to ask? क्या कहोगे आज के इस अवार्ड फंक्शन में? अभी मैं आया हूँ, जाके देखूंगा, बुलाया है मेरे को. और जो बोलेगा तो फिर की बात ही अलग होती है ना, कुछ तो धमाल ही रहेगा. जाके देखता हूँ अभी क्या है. आपका कोई नया शो आने के लिए इंतजार कर रहे हैं फैन? अभी मेरे को सदा दे बताऊंगा पक्का मैं. हाँ, थैंक यू.